अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले राइस। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन में पानी को बॉईल करने रख दिया था और राइस को हमने सोक करने रख दिया था 20 से 25 मिनट पहले वॉश करके। अब हम इन राइस को इसमें वाटर में ऐड कर देंगे। हमारे पास राइस है अराउंड 1 पाव, 1 पाव हमारे पास राइस है और इसको हम बॉईल कर लेंगे। 1 कनी बस इसमें हमने 1 कनी छोड़नी है, उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। जब तक हमारे राइस बॉईल हो रहे हैं हम गुड़ को अपना कुक करने रख देते हैं। गुड़ भी हमने ले लिया है, 1 पाव हमारे पास राइस है और 1 पाव ही हम इसमें गुड़ ले लेंगे और ये हमने 1/2 ग्लास वाटर में ऐसे ही तोड़कर डाल दिया ताकि ये अच्छा सा मेल्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम इसे रख देंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता होने से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमारे राइस कुक होते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है और ये इतने अच्छा सा, अब इसमें बस 1 कनी हमें चाहिए। इसको बस हमने ऐसे चेक करना है, बिल्कुल परफेक्ट है हमारे राइस। और अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ करके तो इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको लो फ्लेम पर कुक करने रख दिया था, ये अच्छा सा हमारा जो गुड़ है ये मेल्ट हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून हम ले लेंगे देसी घी। देसी घी यूज़ करें आप या ऑयल, या आपकी चॉइस है। 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून हमने इसमें ले लिया है देसी घी और इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए इसकी घी को हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखना है और अब हमने ले लिया है 1 1.5 टेबल स्पून हमारे पास है खोपरा गरी और इसके हमने पीसेस कर लिए, ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। किशमिश है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून अराउंड और ये हमारे पास हैं आलमंड्स, इसको हमने सोक करने रख दिया था और इसके बाद इसको इसकी स्किन को हमने रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको ना सोते कर लेंगे, हमने इसको गोल्डन नहीं करना बिल्कुल भी। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, हमने ले ली है 2 इलायचियाँ और उसको हमने ब्रेक कर लिया है और इसके जो सीड्स हैं वो भी थोड़े से हमने तोड़ दिए हैं और हम इसको थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें सोते कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा घी का फ्लेवर आ जाए सारे ड्राई फ्रूट में। आप चाहते तो इसमें क्वांटिटी अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट की। बस हम इसमें थोड़ी सी देर बस इसको थोड़ा करेंगे। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने गुड़ को मेल्ट करके रखा है, इसको हम स्ट्रेन करके इसमें ऐड कर देंगे सारा, ताकि थोड़ा बहुत जो इसमें हो कुछ भी तो वो भी स्ट्रेन हो जाए। देखिए हमने सारा गुड़ इसमें ऐड कर दिया और अब ये जो हमारे राइस हैं ये ऐड कर देंगे इसमें सारे हम, 1 पाव गुड़ और 1 पाव राइस। अगर आप क्वांटिटी गुड़ की ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज इसमें परफेक्ट है, क्वांटिटी सेम ही ऐड होती है। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है और इसे इसमें गुड़ के पानी जो हमारा है इसमें राइस को अच्छा सा मिक्स कर देना है। देखिए मैंने आपको 1/2 कप 1/2 ग्लास बताया था गुड़ जब हमने मेल्ट करने रखा था पानी, तो ये देखें इसके पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट है अब ये राइस के लिए। इसमें थोड़ी सी देर हम कुक कर लेंगे इसे राइस को और उसके बाद हम इसे दम पर रख देंगे। इसे बस हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। उसको मीडियम फ्लेम पर कुक करने छोड़ देते हैं। अब ये मिक्स हो चुके हैं, इसके बाद में इसको कवर अप करके तो दम पर रख दूंगी। ये देखिए पानी नज़र आ रहा है ना, ये इसी में ही ड्राई हो जाएगा। ये देखिए हमारा पानी ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, बस हमने इसको अब दम पर रख देना। अब दम पर हम इसको रख देंगे 5 से 6 मिनट अराउंड, ताकि अच्छे से हमारे जो टाइमिंग है थोड़ी सी राइस में
वो टेंडर हो जाए, इसे हम रख देंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर, दम पर 6 मिनट के लिए। दम पर रखने से पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी खोया, पहले भी ऐड कर देंगे और मैं लास्ट में भी यूज़ करूँगी। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, बाकी मैं बाद में यूज़ करूँगी। अभी से हम 6 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है हमारे राइस। 7 से 8 मिनट हमने इसे दम पे रखा था और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं हम पहले अच्छे से और डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे गुड़ वाले राइस रेडी टू ईट हैं। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।